राधे राधे दोस्तों, चलिए आज बनाना सीखते हैं की चेन होल्डर। सबसे पहले एक प्लेन थर्मोकोल की शीट ले लीजिए, उसके ऊपर हम की चेन का डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे विद दी हेल्प ऑफ स्केच पेन और पेन। डिज़ाइन में हम एक ब्रांच और उसकी लीव्स और एक स्पैरो ड्रॉ करेंगे। फिर धीरे धीरे इसको पॉटरी टूल की हेल्प से कट कर लीजिए और एक प्लेन थर्मोकोल की शीट ले लीजिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन हम इस पर ग्लू लगा देंगे और इसे प्लेन थर्मोकोल की शीट पर अच्छे से चिपका देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम वॉइड सीमेंट का एक मिक्सचर बना लेंगे, आप चाहें तो थोड़ी सी ग्लू भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद घोल बनाने के बाद हमने जो थर्मोकोल की शीट को चिपकाया था उसमें हम इसे भर देंगे। उसके बाद एक वायर ले लेंगे जो कि थिक हो और एक मुड़ी हुई वायर ले लेंगे। हम इन दोनों वायर्स को उस बनाए गए घोल के बीच में रख देंगे। अब इस बनाए गए पैटर्न को कम से कम एक घंटे के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। जब ये सूख जाए तो धीरे धीरे एक्स्ट्रा थर्मोकोल को आप रिमूव कर लीजिए। हमारे कीचेन का पैटर्न जो है वो प्रिपेयर हो गया है। अब हम विद द हेल्प ऑफ पॉटरी टूल इस सरफेस को स्मूथ बनाएंगे। अब हम ब्रांच के लीव्स बनाएंगे और उसके बाद हम स्पैरो की आई ड्रॉ करेंगे। इसे ब्रश से धीरे धीरे स्मूथ करिएगा। अब हम इसे सैंडपेपर की हेल्प से धीरे धीरे फिनिशिंग देंगे। फिर एक मिनी ड्रिल मशीन ले लीजिए, उससे की होल्डर्स को अटकाने के लिए होल कर लीजिए और इसके बैक साइड पर भी एक होल कर लीजिए ताकि हम इसके अंदर इसे लटकाने के लिए कोई नट जो है वो इंसर्ट कर सके। अब कोई भी कलर ले लीजिए, उसका ब्रश की हेल्प से इसे कलर कर दीजिए और लास्ट में वार्निश का यूज़ कीजिए जिसकी हेल्प से फिनिशिंग आएगी और शाइन आएगी। अब की होल्डर्स को हमारे किए गए होल्स के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। चेन रेडी हो गया है। अब इसे जहां आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर लगा दीजिए। सुंदर सा की चेन होल्डर रेडी हो गया है। राधे राधे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।